व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मुकेश। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको टॉप 4 फ़ोन्स के बारे में बताऊँगा जो 15,000 रुपये से कम कीमत की है। जिसमें पहला फ़ोन हमारा रेडमी नोट 7 प्रो है। इसके कुछ फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर इसके बात करें तो इसमें 4 GB की रैम, 64 GB की रैम है, जिसे आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इस फ़ोन में 6.3 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, 48 MP का और 5 MP का इसका रियर कैमरा है, और 13 MP का फ्रंट कैमरा है। 4000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ ये आता है, और 675 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ ये आता है। और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, आप इसे फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं जल्द से जल्द। यह आपको फ्लिपकार्ट पे 10,999 यानी 11,000 रुपये की कीमत में मिल जाएगा। नेक्स्ट फोन हमारा जो है वो वीवो V10 का है। इसके भी कुछ फ़ीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये फ़ोन भी बहुत अच्छी फ़ीचर्स में लॉन्च किया गया है, और इस फ़ोन के साथ भी आप जा सकते हैं, मैं इसे भी रिकमेंड करूँगा आपको। बात करें इसके फ़ीचर्स की तो इसमें 3 GB की रैम और 32 GB का इंटरनल मेमोरी आपको मिल जाएगा, जिसे आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इस फ़ोन में 6.35 इंचेस की HD डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको 3 रियर कैमरा मिलेंगे, जिसमें 13 MP, 8 MP और 2 MP का कैमरा होगा, और 8 MP का ही फ्रंट कैमरा भी आपको मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और 665 का AIE प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। ये फ़ोन भी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, तो 5000 की जो इतनी बड़ी बैटरी है उसको चार्ज करने में आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छे से और बहुत जल्द चार्ज हो जाएगा। और अगर इस फ़ोन की कीमत की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे आपको ये फ़ोन करीब 10,000 रुपये का मिल जाता है, 9,999 रुपये समथिंग इसकी प्राइस है। ऑफ़र में आप इसको और कम कीमत पे भी ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 9,999 यानी 10,000 रुपये तक आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ोन जो है वो रियलमी का नज़रो 10 है। ये फ़ोन अपकमिंग फ़ोन है, ये अभी फ़ोन लॉन्च हुआ है जस्ट, लेकिन अभी आपको ये मिलेगा नहीं फ्लिपकार्ट पे, ये अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्द ये अवेलेबल आप लोगों को हो जाएगा। और इसके भी फ़ीचर्स मैंने आपको दिखा रखे हैं, चलिए इसके कुछ स्पेसिफ़िकेशन की बात करते हैं। इसमें 4 GB की रैम आती है, 128 GB का इंटरनल मेमोरी आपको मिल जाएगा, जिसे आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 6.5 इंच की HD डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 4 कैमरे मिलते हैं, 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का इसमें आपको रियर कैमरा मिलता है, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। 5000 mAh की इसमें भी आपको बैटरी मिलती है, बहुत ही अच्छे बैटरी बैकअप के साथ ये फ़ोन आने वाला है, और मीडियाटेक हीलियो का Z80 प्रोसेसर ये फ़ोन में आपको मिलेगा। और अगर इस फ़ोन के कीमत की बात की जाए तो ये फ़ोन 11,999 रुपये की रेंज में लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट पे। हालांकि अभी ये फ़ोन अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी इसकी जो प्राइस रखी गई वो 11,999 यानी 12,000 रुपये के रेंज में आपको रखी गई। ये फ़ोन आपको 2 कैटेगरी में मिल जाएगा, ग्रीन में जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और वाइट में। वाइट और ग्रीन दो वेरिएंट में ये फ़ोन को लॉन्च किया गया है, ये वाइट है और ये ग्रीन फ़ोन है, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट फ़ोन जो हमारा है वो वीवो Z1 प्रो है। इसके भी कुछ फ़ीचर्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये फ़ीचर्स भी बहुत अच्छा है, मतलब इसके भी फ़ीचर्स बहुत अच्छे हैं फ़ोन के, नया फ़ोन जो अभी लॉन्च हुआ है। और अगर इसके स्पेसिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें 4 GB की रैम, 64 GB का इंटरनल मेमोरी है, जिसे आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, 6.53 इंचेस की स्क्रीन है, फुल HD स्क्रीन है। इसमें आपको 3 कैमरे मिल जाएंगे, 16 MP प्लस 2 प्लस 8 MP का रियर कैमरा आपको मिल जाएगा, 32 MP का इसमें फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा। इसके भी बैटरी आपको 5000 mAh की मिल जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बैटरी, अच्छी बैटरी है। और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 712 AIE ऑक्टा कोर 3.2.3 GHz का प्रोसेसर मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग के साथ ये आता है। इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, आप इसमें 3 कार्ड लगा सकते हैं। और अगर इसकी बात करें
तो फ्लिपकार्ट पे ये आपको करीब 14,999 रुपये यानी अराउंड 15,000 रुपये के करीब आपको ये फ़ोन मिलने वाला है। तो ये रही हमारी चार फ़ोन्स की लिस्ट आपके लिए जो मैंने निकाली है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू।